बैठे, तुमसे तो परिंदे थे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे, अल्लाह के माहिर हैं, इनसे बड़ा झूठा दुनिया में नहीं है तमाम। 1000% बदलाव होगा। नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस ने पहले लड़ाई लड़ी थी गोरों से और आज लड़ेगी इन चोरों से। ये कांग्रेस के बनाए हुए माल को ये बर्बाद करना चाहते हैं, बेच रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम करते हैं। एक शेर मुझे याद आता है, ए हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। अरे तुमसे तो परिंदे थे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। आज इन्होंने जिस तरह से मणिपुर में कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, क्या नंगा करके घुमाया गया, हिंदुस्तान की पहली घटना है। इस पे भी मुझे एक शेर याद आता है, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, अरे संभाल कर रखो बोलती औलाद को, ये हुकूमत में बे औलाद बैठे हैं। औलाद का दर्द ये लोग नहीं जानते। अरे वो तो कह रहे गरीब जनता का राज है, आप कह रहे हैं गरीब जनता का राज नहीं है, इन बेईमानों का राज है। कांग्रेस के बनाए हुए को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी तो जनता वो हिसाब लेगी, तभी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्होंने कांग्रेस के बनाए हुए को बेच के खाने का काम किया, जैसे इनके पिताजी ने बनाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 60 साल लूटा गया, हम बना रहे हैं आगे। लूटने का काम ये कर रहे हैं। ये तो आप लोग भी जो सवाल हमसे पूछ रहे हो, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। मुझे मेरे दोस्त शर्म आती है कि तुम उनसे या डरते हो या शर्माते हो, क्यों घबराते हो। ये सवाल उन बेईमानों से पूछो कि इतना पैसा लूटने के बाद तुमने कहां डालने का काम किया है। हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे घर ईडी आ जाएगी, हमारे घर ये खाकी वर्दी वाले आ जाएंगे जो हमारे बच्चे हैं। इनके हाथ में लट दे दिया कि अपने माँ बाप को मारो। ये इस तरह के लोग हैं, जो बोलेगा वो फंसेगा। इन सबसे बचने के लिए राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी बदलाव कर पाएंगे? 1000% बदलाव है। जिस तरह लाखों की भीड़ राहुल गांधी के पीछे चल रही है, वोटों में बदला की भीड़ हो, वो 1000% सब बर्बाद हो गए। आज व्यापारी बर्बाद है, 2 रुपए का काम नहीं है एक हफ्ते में। आज किसान बर्बाद है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं, किसान का कर्जा माफ नहीं होने का, जो भुखमरी के कगार पे, बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा। युवाओं के जितने एग्जाम हुए सारे पेपर आउट हुए, नौकरी देंगे कहां से, सब बेच के खा गए। अरे रेलवे भेज दी, सड़क भेज दी, इन्होंने छोड़ा क्या है, हवाई जहाज भेज दिया, सब अडानी अंबानी के हो गए। जहाँ किराया 1 रुपए था वहाँ 100 रुपए हो गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी मोहर लगा रही है, जनता ये मोहर लगा रही है कि कांग्रेस के जमाने में 600 रुपए का सिलेंडर था, आज 900 रुपए का, 950 रुपए का सिलेंडर है। पेट्रोल 67 रुपए था, आज 100 रुपए लीटर मिल रहा है। डीजल मेरे ख्याल से 60 के आसपास था, वो भी 96 रुपए के करीब बिक रहा है। आज इन्होंने जनता को बर्बाद कर दिया है, ये जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 24 में क्या होने जा रहा है फिर? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, बहुत बड़ा बदलाव है। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार हम जा रहे हैं। ये झूठ बोलने वाले झूठ बोलने के माहिर हैं, इनसे बड़ा झूठा दुनिया में नहीं है तमाम। चिंता मत करो, इन्होंने बोरिया भी लपेट लिया, थैला बांध लिया, जो कह गए कि हम थैला उठा के चल देंगे, इन्हें भागना पड़ेगा। इस जनता को भागना पड़ेगा 1000%, 1000% ये भागेंगे। और एक शेर मुझे फिर याद आता है, गाड़ी आ गई, ए हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। तुमसे तो परिंदे थे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। प्रधानमंत्री 5 साल मांग रहे देंगे, ये प्रधानमंत्री रुकने के ही नहीं, ये तो भागेंगे लंगोटी उठा के। जो आदमी अपने घर का नहीं हुआ, किसान का नहीं हुआ, व्यापारियों का नहीं हुआ, युवाओं का नहीं हुआ, वो मुल्क को क्या चलाएगा? बे औलादों का घर नहीं चलता, उन्हें पता नहीं कि बच्चा कैसे पाला जाता है। इन लोगों ने मुल्क को बर्बाद करने वाले लोग हैं, कुछ नहीं है इनका। ये भागेंगे लंगोटी उठाकर, राहुल गांधी मैदान में आ गए हैं। बहन भाई की जोड़ी जिस तरह से निकली है, ये सारा वोट है, ये बिखरा पड़ा है। आज ये गठबंधन इंडिया गठबंधन इसी का कैंडिडेट बनेगा। इंडिया गठबंधन यूपी में बदलाव कर पाएगा? यूपी में नहीं, तमाम हिंदुस्तान में बदलाव करेगा। एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी है जो भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है जो हिंदुस्तान की तमाम जातियों को साथ लेकर चलने का काम करती है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, 100% कांग्रेस की हुकूमत होगी। हो पाएगी बदलाव? 1000%, हर आदमी तबाह हो गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का राज आया है। ये गरीबों का बच्चा नहीं, झूठे का बच्चा है, झूठ बोलने वालों का बच्चा है, झूठा इंसान है। क्या बदलाव आया है? कितने एम्स बना दिए, कितने IIT बनाए, कितने IIM बनाए, इन्होंने एक नहीं बनाया। झूठ बोलते हैं मंच पे खड़े होकर, अखबार वाले दिखाने का काम कर रहे थे बिहार में कि IIM बन गया, वहाँ तालाब बना हुआ है। दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हमारे हैं। और एक शेर मुझे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बनारस में राहुल गांधी हमारे युवाओं को नशेड़ी बोल के जा रहे हैं।
नशे ने क्या, जब आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा, घर जा रहे हैं तो घरवाली पीट रही, बच्चे खाने को मांग रहे हैं, तो वो करेगा क्या? वो नशेड़ी बनेगा, वो या तो गोली खावेगा या शराब पिएगा या सुल्फा पिएगा। ये नशेड़ी बनाने का काम कर रहे हैं इस जनता को, इस जनता को बर्बाद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज जिस तरह से कोरोना काल में आज व्यापारी दुकान नहीं खोल सकता था, लेकिन इन्होंने शराब खुलवाने का काम किया, शराब बिकवाने का काम इन्होंने किया है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब उन्हें नशेड़ी बना रहे हैं ये कि हमसे रोजगार ना मांगे। इस युवा को, पीढ़ी को बर्बाद करना ये लोग चाहते हैं। इनकी तो नस्ली युवा किसके साथ है? युवा राहुल गांधी के साथ है, युवा के साथ है, राहुल गांधी के साथ, पक्का राहुल जी के साथ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब मैडम से बात कर रहे हैं, क्या लगता है मैडम, आप भी आएंगे, राहुल गांधी आने वाले लग रहा बदला होगा? मैं बिजनौर से कमलेश भुयार जी, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। आज जो ये हंजूम यहाँ से नहीं, पूरे जो है उत्तर प्रदेश में आपने चंदौली से देखा है, तो वो सब यात्रा में देखा आपने कि हमारी जमीनी भीड़ है, कोई किराए की भीड़ नहीं है। मोदी योगी जो लाते हैं भीड़, वो किराए की लाते हैं। हमारी जो जनता है आज, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीब जनता हमारे साथ खड़ी है, देखिए महिला परेशान है। इस सरकार में जितना उत्पीड़न महिलाओं का, बेटियों का हुआ, इतना किसी सरकार में नहीं हुआ। तो आज सम्मान की बात कर रहे हैं, नहीं को सम्मान मिला कह रहे हैं, देखिए कोई सम्मान नहीं है नारियों का। कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज ये हाल है कि बेटियां घर में से निकलना उनका दुर्लभ हो रहा है, ना वो स्कूल ना कॉलेज। जो हमारे प्रधान, जो हमारे सोनिया गांधी जी ने या कांग्रेस सरकार ने कॉलेज बनवाए थे, फैक्ट्री बनवाई थी, वो सब भाजपा सरकार ने, मोदी ने बेचने का काम किया है, सब प्राइवेट। जिस तरीके से गृह मंत्री कहते हैं रात के 12 बजे महिलाएं गहना पहन के निकल सकती हैं, नहीं निकल सकती महिलाएं गहना पहन के। मैं पुष्पा दे सैनी बिजनौर से, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इस प्रधानमंत्री की योजना में महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और जो महिलाएं परेशान हैं नौकरी से, परेशान हैं महिलाएं, महिलाओं को कुछ नौकरी नहीं दी जा रही है। अभी पिछली परीक्षा हुई थी, वो परीक्षा भी कैंसिल कर दी गई मोदी। क्या लगता है राहुल गांधी बदलाव कर पाएंगे? जी हाँ, कर पाएंगे बदलाव, लगता है।